पिछली वीडियो में हमने बात की कि ब्लैक इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी किस तरह पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। अब हम बात करेंगे कि इस ब्लैक इकोनॉमी को किस तरह डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। व्हाट आर द वेज विद विच वी कैन डॉक्यूमेंट द ब्लैक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नंबर वन, डॉक्यूमेंटिंग रियल एस्टेट सेक्टर इन मेजर सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट विद। क्या है कि इससे आपकी एक डिजिटल नेशनल लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बन जाएगी, डेटाबेस बन जाएगी, और उसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे, फर्म्स पे, कॉरपोरेट्स पे, सब पे हासिल हो जाएगा एट द फेडरल और एट द सेंट्रल लेवल। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मेजर सिटीज़ का लैंड रिकॉर्ड डाटा डिजिटाइज कर दिया एंड द रिजल्ट इज दैट दे आर थ्राइविंग इन रियल एस्टेट सेक्टर। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस मेथड और दिस मेजर विल बी इट विल रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स एंड लैंड रिकॉर्ड लिटिगेशन इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जाहिर है कि आपकी अदालतें जो सिविल काम कर रहे हैं उधर बहुत ज़्यादा इन डिस्प्यूट्स के केसेस आते हैं कि जनाब उसने मेरा हक मार दिया, उसने मुझे गलत फाइल या फेक फाइल दे दी, एक ही फाइल तीन चार बंदों को सेल कर दी। तो अगर डाटा डिजिटाइज हो जाएगा और सेंट्रलाइज हो जाएगा तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अदालतों के ऊपर जो बोझ है वो बहुत कम हो जाएगा। सेकेंडली, इट विल अट्रैक्ट डॉलर डोमिनेटेड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, के फॉरन आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो डॉलर के अंदर या फॉरन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे रियल इस्टेट सेक्टर में। एंड थर्डली, इट विल डिस्करेज द पार्किंग ऑफ ब्लैक मनी इन पाकिस्तान। जाहिर है रियल एस्टेट पहले चूंकि ब्लैक मनी का हब बना हुआ है, अब अगर डाटा डिजिटाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सी है, उसकी मालियत क्या है, तो जाहिर है वो लोग टैक्स नेट में भी आएंगे और ब्लैक इकॉनमी भी ख़त्म होगी आहिस्ता आहिस्ता और टैक्स रेवेन्यूज भी आपके इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो मेजर सिटीज का जो लैंड रिकॉर्ड डाटा है उसको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, रेगुलेट लोकल गोल्ड ट्रेड। लोकल गोल्ड ट्रेड जो है उसमें टैक्स इवेजन बहुत हो रही है, उनको टैक्स कंप्लाई करें, उनको स्मॉल सेक्टर्स में या स्मॉल बिजनेस हब्स के अंदर इकट्ठा करें कि दिस इज द गोल्ड डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर गोइंग टू ऑपरेट, और उन सब को टैक्स कंप्लाई होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, गवर्नमेंट कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस। थर्डली, कंट्रोल फॉरन एक्सचेंज करेंसी कैश। अब जो फॉरन एक्सचेंज का करेंसी कैश है ये बड़ी मजेदार चीज़ है कि आप अगर फॉरेन करेंसी जो है वो फिजिकली अपने पास रखते हैं, यू आर डिप्राइविंग द नेशनल एक्सचेकर या नेशनल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अदर प्राइवेट बैंक्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ फॉरेन करेंसीज। और अगर फॉरेन करेंसीज डिप्लीट हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं, तो अगेन पाकिस्तान को फिर IMF के पास जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप इलीगल कर दें, क्रिमिनल ऑफेंस बना दें कि जनाब आप किसी भी डॉलर या यूरो की करेंसी को फिजिकली अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपने रखना है तो वो आप फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट्स में रखें, और अकाउंट्स कैसे खोलेंगे वो आप नादरा के अपने शनाख्ती कार्ड के बेस पे इजीली खुलवा सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करंट फॉरेन एक्सचेंज बैंक अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नादरा ID कार्ड। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बैंक पैसा है फॉरेन एक्सचेंज का वो बैंकों में ही रहेगा, वो लोग बाहर नहीं लेके आएंगे। यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इकॉनमी एंड द स्टेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द कंट्री। हमने हमेशा कहावत सुनी है कि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तानी अमीर है। उसका मतलब भी यही है कि पाकिस्तानियों के पास तो पैसा बहुत है लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, नजर नहीं आता। वो नजर तभी आएगा जब बैंक में पैसा आएगा। तो होल्ड फॉरेन करेंसी ओनली इन फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स, ऑलरेडी टोल्ड यू। देन डेटाबेस इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैंक अकाउंट्स विद नादरा, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड। विदड्रॉ द अलाउड लिमिट ऑफ $10,000 कैश पर पैसेंजर। तो पहले आपने लिमिट रखी हुई है कि $10,000 जो है वो आप लेके जा सकते हैं अगर आपने फॉरेन ट्रेवल करना है, तो एक पैसेंजर $10,000 तक लेके जा सकता है। तो अंदाज़ा करें कि 23 लाख तकरीबन 230 रुपये अगर आप डॉलर लगाते हैं तो तकरीबन 23 लाख रुपया इन द फॉर्म ऑफ डॉलर एक बंदा पाकिस्तान से लेके जा सकता है। और इसी में क्रिटिसिज्म बार बार होता है, एनालिस्ट कहते हैं कि दिस इज द मेन चैनल ऑफ हवाला हुंडी ऑपरेशन, के पाकिस्तान से डॉलर बाहर कैसे जाता है, वो इसी तरह जाता है, लॉन्चेस के थ्रू जाता है, ये वाला चैनल है, ऑल दिस थिंग। तो
तो अगर आप इसको कर्व करते हैं तो हवाला हुंडी भी नीचे आ जाएगा और आपको एफएटीएफ के साथ मजीद एंगेज नहीं करना पड़ेगा। देन ओवरसीज पेमेंट्स वेयर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बैंक अकाउंट्स, तो आपने अगर ओवरसीज भी पेमेंट्स करनी है उनके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बैंक अकाउंट्स ही यूज करने पड़ेंगे। तो इस सब से आपका ही फायदा है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी जी, किसने कितने पैसे बाहर कौन सी यूनिवर्सिटी को, कौन से मदरसे को, कौन से बैंक को दिए हैं या कौन से अपने रिलेटिव को भिजवाए हैं, अंदाजा हो जाएगा कि वो बंदा कमा कितने रहा है, बाहर कितने भेज रहा है और क्या वो रूटीनली तो नहीं भेज रहा। अगर वो रूटीनली पैसे भेज रहा है दैट मीन्स इधर ही इज इन सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ही इज सिंपली अर्निंग फ्रॉम एन इलीगल मीन्स एंड ही इज ट्राइंग टू वाइट वॉश हिज मनी। देन फोर्थली बैन कैश चेक्स। कैश चेक्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि एक कैश चेक एक बायर जब सेलर को देता है तो वो रोटेट करता हुआ एक चेन लिंक के थ्रू एंड सेलर तक जाता है अनटिल द एक्सपिरेशन डेट कम्स, फिर आप उसको चेक को कैश करवाते हैं और उससे सिर्फ एक ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट होती है। दैट मीन्स कि 4, 5, 6, 7 जितनी भी ट्रांजेक्शन इंटरमीडिएट हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं हुई उनके ऊपर कोई भी सेलर लायबल नहीं है कि वो एक रुपया भी टैक्स पे करे क्योंकि वो एफबीआर के पास रिकॉर्ड ही नहीं जाता। सो कैश चेक्स जो है उनको बैन किया जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन। देन फिफ्थ पॉइंट इज सीज द इशुएंस ऑफ बेरर सिक्योरिटीज। बेरर सिक्योरिटीज जो है उनको जरा आप टाइम के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा कम करते जाए कि जो आम बंदे प्राइस बॉन्ड्स बेच रहे हैं उनको जरा कम करें और एक नेशनल डेटाबेस बनाए सेंट्रलाइज्ड हो ताकि आपको पता हो कि किस बंदे के नाम पे, किस शनाती कार्ड के नाम पे कितने प्राइस बॉन्ड्स हैं और वो क्यों ले रहा है, इससे अंदाजा हो जाएगा। देन प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में आपको दो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। नंबर वन रास्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है तो उससे आप पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे, वो एज अ पेमेंट सिस्टम सर्व करेगा। देन नात्रा जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है तो उसकी बेस पे आप बैंक अकाउंट ओपनिंग जो है उसको ईजी करेंगे। तो ये डिजिटाइजेशन की तरफ आप जाते जाएंगे और मजीद इकॉनमी डॉक्यूमेंट होती जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैन हर डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। क्या है कि 5,000 और 1,000 रुपये वाले बैंक नोट्स जो हैं उनको बैन कर दें। ये हमेशा होता है जब भी लाइक आपने इस तरह का मेजर लेना होता है लाइक करप्शन रोकनी है या ब्लैक मनी रोकनी है, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी है या फिर अनडॉक्यूमेंटेड करेंसी नोट्स हैं वो आप बेसिकली 5,000 या 1,000 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी तथ्या बना के कहीं अपने तहखाने में छुपा देते हैं ट्रंक के अंदर के, बस ठीक है 3 करोड़ रुपया मेरे घर में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं करते कि 2 करोड़ के सिक्के ले हैं 5-5 के पूरे शहर से उठा लें और उनको अपने बेसमेंट में रख दें और ट्रक के ऊपर और 6 बंदे लगाए मजदूर के वो उनको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा मनी जब आपके पास इलीगल है या ब्लैक मनी है या इलीगल मीन्स के थ्रू आपने बनाई हुई है तो आपकी कोशिश होगी कि बड़े से बड़े बैंक नोट्स आपको मिले ताकि आप उसको बड़े नोट्स की फॉर्म में तथ्या बना के 5,000 वाले जी 100 नोट्स हैं 50 लाख है, 50 लाख बनता है आई थिंक या 5 लाख बनता है सॉरी, तो उनको आप एक छोटी सी तथ्या जो है वो 5 लाख की होगी। अब इस तरह के 20 होंगी तो वो आप 1 करोड़ रुपया आपके इतनी सी जगह पर आ जाएगा। सही है, तो बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स जो हैं उनको बैन करें और एक जस्ट वन टाइम एमनेस्टी दें कि आप लोग जनाब अपने करेंसी नोट्स वापस करें और हम आपको टैक्स एमनेस्टी देंगे, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया ने ये गलती की थी 2016 में, उन्होंने कहा था कि आप बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स वापस करें और उन्होंने लिमिट लगा दी थी कि $3,600 से ज़्यादा अगर आप वापस कर रहे हैं करेंसी नोट्स तो वहाँ पे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो एक्शन लेना शुरू कर देती थी, हाँ जी इतना पैसा आपने क्यों रखा हुआ था, कैसे रखा हुआ था। भाई ठीक है रखा हुआ था बट दैट इज देयर ओन इंटेंशन, और अब आप अगर उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो यू हैव टू गिव एमनेस्टी बट दिस शुड बी ओनली अ वन टाइम एक्सरसाइज, उसके बाद किसी को माफ नहीं करना, उसके बाद देयर शुड बी लॉ एनफोर्समेंट, देयर शुड बी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, देयर शुड बी एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू डू अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स और क्रिमिनल आउटफिट्स। ठीक है जी, तो इस सब का फायदा क्या होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपकी बन जाएगी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होगा सिटीजन्स विल बी ऑब्लिगेटेड टू पे देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्स एंड सेकेंडली इट विल हेल्प कंट्रोल करप्शन इन पाकिस्तान।
क्योंकि मिनिमम पर्सनल टू पर्सनल कांटेक्ट होगा, क्योंकि करप्शन आप ऐसे ही हाथ से लेते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि मुझे 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर देना मेरे बैंक अकाउंट में, मैं आपका काम कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। तो करप्शन जो है वो भी कम होगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट विल अवॉइड लिटिगेशन इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगी, डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे, सो देयर विल बी मिनिमम लिटिगेशन इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।